तद्धित प्रत्यय, प्रदंत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। देखो ये तीन प्रकार के होते हैं, ये प्रत्येक प्रकार, यानी ये जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका प्रदंत प्रत्यय, फिर तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। नंबर वन प्रत्यय, देखो ये तीन प्रकार के होते हैं और इनके जैसे प्रदंत प्रत्यय ये भी तीन प्रकार के होते हैं, प्लस इसमें आगे देखो तद्धित प्रत्यय सेकंड वाला ये भी कई प्रकार के होते हैं, प्रत्यय ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो मतलब मेरा प्रत्यय जो है आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन मेन जो है उसमें प्रदंत प्रत्यय फर्स्ट होगा, दूसरा सेकंड आपका तद्धित और थर्ड जो है स्त्री प्रत्यय। तो अपन क्या पहला पढ़ेंगे प्रदंत प्रत्यय, ये फर्स्ट में आप देखो जाता है और त्वा जो है वो शेष रहता है।
विशेष तो आशीष रहता है। इसकी परिभाषा में दिया कर क्या करके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसमें का लोप हो जाता है तो आशीष रहता है। ये जो आपका तो आशीष रहता है ये इसके उदाहरण में जुड़ता है और जो मिल तो आप उसमें मिलकर के जो नया परिवर्तन निकली नया शब्द बनता है। देखो उदाहरण नंबर वन गत्वा, ये इसका उदाहरण है गत्वा। यानी त्वा जो है इस वाक्य में जुड़ा हुआ है और इसी से आप पहचान सकते हैं कि कर्ता प्रत्यय का ये उदाहरण है क्योंकि इसमें का लोप हो गया है और त्वा जो है इस उदाहरण में जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम क्या करूंगी, इसमें धातु को अलग करके और कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है धातु के साथ में वो आपको विच्छेद करना है। देखो किस तरीके से आप करोगे, जैसे ग इसमें जुड़ा है तो ये ग जुड़ने में इसमें गम धातु आएगी, ठीक है, गम प्लस कत्वा। इस तरीके से आपको निकालना है, यदि ग जुड़ने पर गम धातु आई हुई है तो आ लगा हुआ है तो ये कत्वा प्रत्यय है। इस दोनों के मिलने पर गत्वा प्रत्यय बना हुआ है, ये वाक्य जो है ये गत्वा शब्द ये बना है। इस तरीके से आप है ना इस प्रत्यय को निकाल सकते हो और कैसे इसको विच्छेद करना है, कैसे इसको पहचानना है, पहचानना आप ये जो है ना पीछे इसके त्वा जुड़ा हुआ है। परिभाषा में इसके दिया था कि किसी भी शब्दांश में पीछे जुड़कर जो ये अर्थ का परिवर्तन करता है तो वहां वो प्रत्यय कहलाता है। तो देखो इसमें है ना गम धातु के पीछे त्वा जुड़ा हुआ है और त्वा जुड़ने पर है ना इसने इसका अर्थ बदल दिया और इसी से इसकी पहचान है कि त्वा जुड़ा है तो इसका मतलब है ना कर्ता प्रत्यय का उदाहरण, कर्ता प्रत्यय का उदाहरण है क्योंकि इसमें का लोप हो गया है। जैसे अपन ने ये कर्ता दिया है इसमें और इसमें है ना का तो लोप हो गया त्वा शेष रह गया है, वो त्वा जो शेष रह गया है वो इसमें जुड़ गया है। तो ये अगर आपको ध्यान में रहेगा कि जिसमें का लोप हो गया है त्वा शेष बचा है तो आप जो है वाक्य में मिलकर के एक नया अर्थ निकालता है। तो अगर आपको इतना ध्यान रह जाएगा कि त्वा शेष है तो आप जो है किस प्रत्यय का उदाहरण है यानी किसमें शेष रहता है तो आप अपने आप इसको विच्छेद कर लोगे और इसका नाम निकालोगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। जैसे दूसरा देखो लिखित्वा, अब आपको मालूम है कि इसमें लिख धातु निकलेगी तो आज लगा हुआ है वो है ना कत्वा प्रत्यय में शेष रहता है जो इस वाक्य में जुड़ा हुआ है। अगर आपको इतना ध्यान है कि का लोप हो जाने पर, जैसे इसमें मैंने दिया है का लोप हो जाने पर तो शेष रहता है, ठीक है, तो शेष रहता है वो आपके इसमें जुड़ा हुआ है शेष जो बचा हुआ है तो आप आराम से निकाल सकते हो कि लिख धातु यहाँ पे निकलेगी और कत्वा प्रत्यय का त्वा जुड़ा हुआ है जो कत्वा प्रत्यय है और उसको मिलकर के यहाँ पर ये लिखित्वा शब्द बना हुआ है। कैसे देखो आप करोगे लिख प्लस तत्व, इस तरीके से आप इसको विच्छेद करोगे और ये आप तभी कर सकते हो जब आपको है ना ये चीज याद में होगी कि ये क्वा जो है किसमें शेष रहता है यानी किसमें, जैसे कत्वा प्रत्यय में का लोप हो जाना क्वा शेष रहना और वो क्वा जो है हर इसके उदाहरण में पीछे लास्ट में जुड़ा होगा। जैसे बहुत सारे जितने भी इसके उदाहरण होंगे यहाँ पर जो है क्वा जुड़ा होगा। जैसे मैंने अभी गत्वा लिखित्वा पठित्वा भी देखो तीसरा उदाहरण इसका है पठित्वा, इसमें भी जुड़ा है। अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो इसमें भी पीछे इसका शब्द जो है
तो हमें वो पठ प्लस तत्व, इस तरीके से आप है ना आराम से निकाल सकते हो इनके उदाहरण और इसका विच्छेद कर सकते हो। सिर्फ आपको इसकी परिभाषा में ध्यान रखना है क्या चीज लोप हुई है और क्या चीज शेष है। जो शेष होता है वो उदाहरण में हमेशा उदाहरण में शेष वाला जुड़ा होता है। तो इसके सारे उदाहरण जितने भी आप उदाहरण पढ़ोगे उन सभी उदाहरण में ये पीछे का जो भाग है जो वाक्य जो है वो सभी में जुड़ा होगा जिससे इसका अर्थ परिवर्तन होता है। अब आपका आएगा तून भुट्टे। दूसरा आपका देखो लेफ्ट। अब लेफ्ट प्रत्यय में देखो ला का लो, देखो में
या जो है वो देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, या उसमें परिभाषा में बताया था कि पीछे जो है ना या जुड़ा होगा। तो देखो इसमें या जुड़ा हुआ है, आपने कर्ता प्रत्यय में, कर्ता प्रत्यय में आपने है ना त्वा त्वा पढ़ा था कि त्वा जो है ना उदाहरण में जुड़ा था। अब आपको इसमें यह प्रत्यय में या जुड़ा होगा, हर उदाहरण के पीछे जो है या जुड़ा होगा। कोई भी उदाहरण जैसे समभूमि बिहार, बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जिनमें लास्ट में है ना पीछे या जुड़ा होगा। तो इससे इसकी पहचान है कि इसमें है ना ला का लोप हो जाना और यहाँ पे पा भी लोप हो जाना या से बचता है। तो जब ये या से बचेगा और उदाहरण में जुड़ रहा है कि या यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इससे आप है ना पहचान सकते हो कि ये लेप प्रत्यय का उदाहरण है। अब आप इसमें कैसे विच्छेद करोगे, इसमें उपसर्ग भी निकलेगा, गमिनी गा बीच में है, धातु भी निकलेगी और फिर प्रत्यय। इस तरीके से आपको तीन जगह इसका विच्छेद करना है। देखो प्रत्यय तीन जगह आप देखो इसका विच्छेद होगा। जैसे इसमें है ना आगम में मैंने आपको उदाहरण बताया है, आप इसमें उपसर्ग निकल रहा है तो आप यहाँ पर प्लस गा है, गम लिखा हुआ है, गम धातु यहाँ पे निकलेगी, गम धातु निकाली आपने। अब आपको है ना या यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इससे आपको है ना प्रत्यय का निकालना है कि या किसमें शेष रहता है। यदि आपको परिभाषा याद होगी तो आप आराम से निकाल सकते हो या इसमें जुड़ा हुआ है, यदि आपको मालूम है कि या शेष लेप प्रत्यय में रहता है तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो कि है ना या जो है लेप प्रत्यय का है। तो ये लेप प्रत्यय किस तरीके से वाक्य बना है आगम्य कैसे करोगे, उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, क्यों लेप प्रत्यय क्या या इसमें जुड़ा हुआ है और ला और वा का लोप हो जाने पर या शेष रहता है। इसकी पूरी परिभाषा में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सी चीज का लोप हो गया और क्या चीज जो है वो शेष बची हुई है, यानी क्या जो है वो शेष बचा हुआ है जो है ना हर उदाहरण में इसके जुड़ता है। तो जब ये या आपको ध्यान रहेगा तो आप आराम से इसको पहचान होगी कि ये व्यक्ति का उदाहरण है, इसमें इसके या जुड़ा हुआ है और आराम से आपको आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर विच्छेद करोगे। दूसरा देखो उदाहरण विहस्य, विहस्य आया, बी उपसर्ग हस्त यानी हस्त धातु या जुड़ा हुआ है लेप प्रत्यय। देखो कैसे विच्छेद करोगी, बी प्लस धातु प्लस लेप, समझ में आ गया, यानी बी तो आपने उपसर्ग निकाल दिया और यहाँ पर हस धातु निकाली और यह जुड़ा हुआ है तो इससे आपका लेप प्रत्यय हो गया। इस तरीके से आपको बस आपको ध्यान रखना है कि है ना लेप प्रत्यय में क्या लोप होता है और क्या शेष बचता है, इतना अगर ध्यान रहा तो आप आराम से इसका विच्छेद कर लोगे। चार पांच बच्चे तो जुड़े, तीन चार बच्चे जुड़े।
Recording has stopped.